शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंघल ने पदभार संभालते ही कई बदलाव करे हैं। गुरुवार को उन्होंने तांडापेट सहित कई संवेदनशील बस्तियों में पुलिस गश्त का आदेश दिया। परिमंडल 3 के अंतर्गत तांडापेट, भारत माता चौक, पीरी मार्बल चौक, मस्का साथ सहित कई बस्तियों में पुलिस का रूट मार्च हुआ। रूट मार्च में क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त गोरख भामरे भी मौजूद थे। वे दल का नेतृत्व कर रहे थे। जब पुलिस का कारवा बस्तियों की गलियों से निकला तो लोग देखने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। पुलिस अधिकारी बस्ती के समाज सेवी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करते नजर आए। पुलिस का कारवा परिमंडल में परिक्रमा करने के बाद अपने अपने थाने में लौट गया। पुलिस स्टेशन शांतिनगर पाचपौली मध्ये सध्या दोन्ही पुलिस स्टेशनचे अधिकारी पीआय साहेब, एसीबी मॅडम आणि आम्ही थोडा एक रूट मार्च या परिसरात काढलेला आहे, जेणेकरून या नागरिकांची भेट घेता यावी, त्यांचा संवाद घेता यावा आणि त्यांना काही ज्या काही अडचणी आणि काही समस्या जाणवत आहेत त्यांची पंजाण व्हावी, त्यांना समस्या आपल्या शेअर करता याव्यात। त्याचप्रकारे एक पोलीस प्रेझेन्स आणि एक डॉमिनन्स या परिसरात दिसावा या अनुषंगाने दोन्ही पोलीस स्टेशनचा आपण रूट मार्च करत आहोत। बाकी पोलीस स्टेशन्सला पण या प्रकारचा रूट मार्च नियोजित आहे आणि चालू पण आहे। तर येणाऱ्या काळात आता इलेक्शन्स पण आहे आणि इतर क्राईमच्या दृष्टीने पण मोठ्या प्रमाणात अशी पेट्रोलिंग आणि रूट मार्च आपल्या परिसरात काढण्यात येणार आहेत। या अनुषंगाने नागरिकांना पण सूचना आहेत की जे आपल्या परिसरातील अडचणी आणि प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्या काही तक्रारी असतील त्या बिंदिकतपणे त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना कळवाव्यात, त्याची योग्य ते दखल आमच्याकडून घेण्यात येईल। उसमें सभी ऐसे ये आह्वान रहेगा कि बस पुलिस की इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनका नाम वगैरह गुप्त रखा जाएगा और 100% उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये अभी इलेक्शंस और क्राइम के मद्देनज़र में सभी पुलिस स्टेशन पे हम रूट मार्च और पब्लिक मीटिंग्स ले रहे हैं। आज हमने शांतिनगर और पाचपौली थाने में ये रूट मार्च निकाला था। इसमें शांतिनगर और पाचपौली के सभी अधिकारी, एसीपी मैडम और मैं खुद इसमें शामिल हुए हैं। और इसका यही मकसद है कि एक पुलिस प्रेजेंस और डोमिनेंस देखे सभी एरिया में और जो भी नागरिक है उनसे हमारी मुलाकात हो और नागरिकों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनको दिक्कतें फेस कर रहे वो हमसे बात कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, यही हमारा मकसद था। और हमारी सबसे यही गुजारिश है कि उनको जो भी समस्या वो फेस करे वो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे। हमारा मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे शिफ्ट को शेयर कर रहे हैं, तो 24 घंटे हम सबके लिए अवेलेबल है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो तो वी आर अवेलेबल 24/7। सर जैसे कि अभी सामने दारू भट्टी है यहाँ पर, और दारू भट्टी के यहाँ से पब्लिक बहुत परेशान है क्योंकि दारू भट्टी से सभी लोगों ने हमारी समस्या हमारे सामने रखी, हमने सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे और जो भी दारू भट्टी चलाने वाले हैं उनको हमें अभी सख्त सूचना दे रहे हैं कि ये सब धंधा वो बंद कर दे। अगर वो बंद नहीं करेंगे तो उनके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पे जो भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है पूरी तरीके से और 100% बंद की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।